हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज की वीडियो में मैं आप लोग से शेयर करूंगी अपना अमेज़न हॉल। ये बिल्कुल लास्ट मोमेंट में अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, जस्ट अभी बनाऊंगी और अभी मैं इसको अपलोड कर दूंगी। बिना मेकअप के हूँ राइट नाउ मैं, क्योंकि यार थोड़ा पहले शूट नहीं कर पाई मैं वीडियो को। देखते हैं इस बॉक्स में क्या क्या है, क्योंकि बहुत रैंडम वाली चीजें हैं, मतलब कुछ भी दिखेगा आज आपको। चलो सबसे पहले तो गाइज, हाँ सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स मैंने आपको डाल दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इग्नोर कर देना, मेरी आईज थोड़ी सी सूजी हुई है क्योंकि मैं शाम को सो गई थी दोपहर को, तो अभी मैं जब सो के उठी तो अपना फेस वगैरह वॉश करके मैं सीधे ही बैठ गई वीडियो शूट करने। हाँ जी, सबसे पहले तो गाइज ये है, और देखो ना यार कितने टाइम से आउटफिट आया, मैंने इसको आरफ को डलवा के भी नहीं देखा, मतलब एक तो ना स्पेस कम होना, तो आपको ना 500 चीजें आगे पीछे करके शूट करना पड़ता है। एनीवेज ये देखो गाइज, कुर्ता सेट है। पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा था ब्लैक कलर का कुर्ता मैं आरफ के लिए मंगाऊं, वैसे इसको मंगवाया था थोड़ा सा जब ठंड का मौसम था ना तब मंगवाया था, एंड अब तो देखो इतनी गर्मी आ गई है, मतलब अब तो ऐसे लग रहा है ये अब बाद में ही डलेगा। पता नहीं क्यों यार बहुत गंदी गर्मी आ गई है, इतनी तेज वाली धूप होती है ना। बट अगर मैं बात करूं कपड़े की, तो कपड़ा काफी अच्छा है, डिजाइन काफी अच्छा लगा मुझे। साइड में आपको ये मिल जाएगा, शादी वगैरह में तो डल जाता है, अगर आप कहीं पे मैरिज के फंक्शन में जा रहे हो, अगर आपको कुछ यू नो ऐसा इंडियन अटायर चाहिए अपने बेटे के लिए तो आपको मिल जाएगा। मेरा बेटा 8 साल का है, 8.5 साल का। ये देखो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से बटन्स मिल जाएंगे, वुडन बटन्स लगाए हैं, और यहाँ पे रेड कलर का ये ऐसे ही है, कोई पॉकेट नहीं है, जस्ट ऐसे ही है। तो ये अच्छी चीज है कि कहीं पॉकेट में ऊपर नीचे नहीं होगा, ये ऐसी डिजाइन है तो ऐसा डिजाइन बना रहेगा। ब्लैक के ऊपर गोल्डन का काम किया हुआ है और रेड कलर की पाइपिंग है। ओवरऑल पीस मुझे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगा, प्यारा लगा। इसके साथ ना गाइस धोती सलवार है, आरफ को अभी तक दिखाया नहीं है कहेगा ये क्या डलवा रहे हो मुझे ये पीछे आयराम डालेगा अभी कि नहीं पता नहीं। ये इस तरह से सलवार है कुछ समथिंग, मुझे भी नहीं पता यार ये कैसा लुक आएगा। सो अगर ये डालेगा ना आरा, अगर मैं इसको थोड़े अच्छे से तैयार करूंगी किसी दिन, तो इंस्टाग्राम की रील या फिर यूट्यूब शॉर्ट में मैं जरूर अपलोड करूंगी, तो आप लोग चेकआउट कर लेना। वेरी ब्यूटिफुल आउटफिट, गोल्डन कलर का ये कॉम्बिनेशन तो बड़े सुंदर है। अब डालोगा कैसे लगता अब ये नहीं पता, ठीक है। मैंने बोला ना आजकल मैं आपको रैंडम चीजें दिखेंगी गाइज। आरव ने ना इंस्टाग्राम की रील में मैंने अपलोड किया था मेरे ही इंस्टाग्राम अकाउंट पे, ये गन के साथ ये खेल रहा था, ठीक है। ये गन ऐसे चलती है, अरे वही चलाता, मैं तो पहली बार अभी चला रही हूँ। यहाँ पे नहीं, रुको भैया रुको, यहाँ पे एक ब्राउन कलर का कहीं पे घूमता है ऐसे गोल 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 गोल। इंस्टाग्राम की रील पे आप देखना ना, मैंने शूट किया हुआ मेरे इंस्टाग्राम पे। तो ये वाली गन किसी ने कमेंट किया थी, दी आपने कहाँ से ली, मैंने अपने बेटे के लिए लेनी है, तो ये मैंने अमेजोन से ली है, 6,650 रुपए में आपको मिल जाएगी। ये ऐसे रख के भी, इट्स ए टॉय गन, ठीक है, टॉय गन है थोड़ी सी वैसी वाली इन्होंने बनाया। अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो बड़ी जिद की थी आरव ने, एक पहले भी इसके पास थी, तोड़ दी थी इसने, एक्चुअली इसने नहीं तोड़ी थी, ये बाहर लेके गया था अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए, इसके फ्रेंड ने छीना झपटी में टूट गई, बड़ा रोया था। फिर दोबारा इसने मेरे को बोला, कितने टाइम तो शांत रहा, फिर से इसने बोला मेरे को लेके दो। तो ये रही टॉय गन, ठीक है, देख ही सकते हो आप। अगर आपके बेटे को कुछ ऐसे, अगर आपने बर्थडे वगैरह पे गिफ्ट देना है जैसे पैक वैक करके, अगर आपने किसी और को गिफ्ट देना है, 6,650 रुपए में आपको ये मिल जाएगी। बट दिखने में आपको ये काफी महंगी लगती है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो गिफ्टिंग के लिए भी अगर आपको चाहिए ना कुछ ऐसा, जैसे लड़का है, जैसे आरफ की एज का है कोई, उसका आपके बेटे का कोई फ्रेंड है, अगर आपने अपने बेटे के लिए लेना, तो इट्स अ वेरी गुड गिफ्टिंग ऑप्शन, ठीक है। लड़कों को ऐसी चीजें बड़ी पसंद आती है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना जैसे आरफ की एज के, तो उनको बड़ी पसंद आती है। मैंने बोला रैंडम चीजें आज के हॉल में आपको दिखेंगे कभी कुछ। ओके गाइज, उल्टा पड़ा हुआ है ये ना गाइज, एक येलो कलर का ब्लाउज है, क्योंकि मेरे पास एक ना येलो कलर की साड़ी है, इट्स डिफरेंट साड़ी, आप लोगों ने देखी, बहुत ट्रेंडिंग साड़ी है, मुझे उसके ऊपर मेकअप लुक करना था, तो मैंने ये वाला ब्लाउज मंगवा लिया। उसके साथ ब्लाउज है बट वो स्टिच नहीं किया हुआ, तो मैंने सोचा कौन स्टिच करवाए, इससे बेटर कि मैं ये वाला ब्लाउज ले लूं। मैंने पता नहीं क्या सोच के एम साइज ले लिया, एम साइज एकदम फिटिंग वाला है मेरे को, मतलब ठीक है, एल लेती तो थोड़ा बड़ा हो जाता है ना, एम ठीक है वैसे तो मुझे, और क्वालिटी अच्छी है, स्ट्रेचेबल है, इलास्टिक है, तो आपको इसमें और भी कलर्स मिल जाते हैं। तो अमेजोन पे आपको ऐसे वाले ब्लाउजेस भी मिल जाते हैं, जो अगर आप अपने सिंपल शिफॉन की साड़ियों के साथ या फिर जॉर्जेट की साड़ियों के साथ डाल सकते हो, कलरफुल ऑल भी आपको मिल जाएंगे। मैंने येलो कलर यहाँ पे बाय किया है।
आजकल मेरे फोन में प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। अपने आप फोन की ना जो ब्राइटनेस होते हैं ना कम हो जाते हैं, जिससे फेस एकदम डल लगने लग जाता है। फेस छोड़ो सारा आसपास का। ये मैंने 2-3 बार नोटिस किया कि मेरी वीडियो की स्टार्टिंग तो मैं सही करती हूँ, वीडियो के एंड तक जाते अपने आप एकदम लो हो जाएगी। नॉर्मल जो भी जितनी लाइटनिंग है ना उससे भी कम हो जाएगी। एटलीस्ट नॉर्मल जितनी मेरे कमरे में लाइटिंग है उतना रहे ना यार, पता नहीं। चलो ये एक ब्लाउज है। उसके बाद गाइस ये मैंने दो मंगवाए थे। एक तो मैंने ओपन भी करके रखा हुआ है, बट चलो मैं आपको यहां से दिखा देती हूँ। ये है गाइस फिल्टर बॉल है, इसको बोलते हैं फिल्टर बॉल। अगर आप ग्रीन टी या फिर हर्बल टी वगैरह लेते हो ना तो आपको ये चीज पता होगी। तो आप क्या कर सकते हो, अपना बॉईल करके पानी को अपने कप में डाल लो, ठीक है, भर के अपना कप में पानी को बॉईल करके डाल लो। इसके अंदर आपको अपनी जो भी हर्बल टी डालनी है, ग्रीन टी डाली, आप इसको डाल लो। स्टील का है तो आपको गर्म पानी में डालने में इसको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। आप इसको ऐसे करो, बंद करो, लॉक करो, ठीक है, तो ये बॉल बन जाती है। अब ऐसे इसको अपने कप में डाल लो, ठीक है। तो जब ये 5-7 मिनट हमको ये हर्बल टी या ग्रीन टी रखनी पड़ती है ना गर्म पानी में, तो उतनी देर ये आपका अपना सब कलर वलर सब जितना फ्रेग्रेंस है जितना फ्लेवर है सब कुछ वो आपके पानी में आ जाएगा। ऐसे ऐसे करके मिक्स कर लो, इसको आप अपना अलग से रख के आप अपना क्लीन करके रख लो, ठीक है। तो ये फिल्टर बॉल होते हैं, मतलब आपको चाय पत्ती के साथ ऐसे फिल्टर करने की जरूरत नहीं है, मतलब समझ गए ना आपको यार, व्हाट इज दिस, समझ गए ना। मैं ग्रीन टी हर्बल टी लेती हूँ, मतलब जितने मैं पैंतरे अपना सकती हूँ ना पतले होने के, मैं उतरे टंटे कर रही हूँ, लेकिन मैं हो नहीं रही हूँ क्योंकि आई डू एवरीथिंग पतले होने के लिए। एंड नेक्स्ट डे मैं जोमेटो से ऑर्डर प्लेस करके बर्गर या फिर मंचूरियन या फिर चीज चिली या फिर आइसक्रीम, मतलब मैं कुछ ना कुछ खा लेती हूँ। This is the story. छोड़ो यार क्या बोलूं मैं इसके बारे में, टेंशन के मारे मुझे लगता है मैं और मोटी हो गई हूँ। करना धरना कुछ है नहीं, बस जब मन करे जोमेटो ऑर्डर प्लेस कर लो। ये जोमेटो भी क्या चीज बना दी है। ओके गाइस, अब ये एक वेम्बले करके ब्रांड, आई थिंक ये ब्रांड है ना वेम्बले, इनकी मैंने लास्ट अपने अमेज़न हॉल में भी आपको ज्वेलरी आइटम्स दिखाई थी। अमेज़न पे मिलता है 100-150 रुपए में, 189 या समथिंग रुपीज में ना आपको इनकी ज्वेलरी मिल जाती है। ये आप देखो जरा, कुछ इस हिसाब से है, बहुत ब्यूटीफुल। ये क्या बोलते हैं इसको, हार्ट बीट का डिजाइन है, यहाँ पे छोटा सा हार्ट है। एक चीज मैं आपको बोलूंगी, ये जो ज्वेलरी आइटम है सिर्फ आपको थोड़ी देर के लिए, अगर आप जा रहे हो कहीं पे थोड़ा सा, अगर आपने अपनी वीडियोस वगैरह शूट करते समय डाली हुई है मैंने, या फिर मतलब कहने का मतलब है ना कि ज्यादा देर के लिए आप इसको नहीं डाल सकते, नहीं तो ये थोड़ी सी ब्लैक होनी शुरू हो जाएगा। अगर आपका पसीना वगैरह इसमें लगेगा तो हाँ जी ये ब्लैक हो जाएगी। आपने सोना नहीं डाला, ये 150 रुपए की जस्ट एक चेन है, जस्ट फॉर एक्सेसरी है। दिस इज नॉट योर गोल्ड कि आपका पानी भी लगे, सोना लगे, पसीना लगे, कुछ भी लगे तो वो काला नहीं होगा। सोना काला नहीं होता, ये काला होना शुरू हो जाएगा। हाँ जी ठीक है, आर्टिफिशियल चीज है आपकी, कितना टाइम आप इसको केयर करके रखोगे तो आपकी ये सुंदर दिखेगी। जहां पे आपको लगेगा धूप में चले गए, पसीना लगे, ये लगे वो लगे, तो ये थोड़ी सी ब्लैक पड़ेगी। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ ब्लैक पड़ेगी, बट डिजाइन अच्छा है। मैं तो बस क्या करती हूँ, रेडी हो जाती हूँ, डालती हूँ वीडियोज में, अपनी वीडियो वगैरह शूट कर ली, उतार के मैंने फिर से संभाल लिया। हम यूट्यूबर्स का काम यही होता है, ठीक है। अगर आप पसीने वगैरह में डालोगे तो ब्लैक होगी। वेम्बले करके ब्रांड है, मुझे इनकी डिजाइनिंग बड़ी पसंद आई। लास्ट वीडियो में भी मैंने इनका ट्राई किया था, तो इसमें मैंने और 2-3 मंगवा लिए, क्योंकि आजकल मैंने देखा ना मेरे को ना डबल चेन या ट्रिपल चेन ना जो चेन 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 होती है वो मेरे को इतनी पसंद नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अब तो सबने डाले, अब तो कुछ नया ट्राई करते हैं। तो ये एक और डिजाइन है, ये देखो सिंगल सर्कल है। देखो फिर से फोन की ना ब्राइटनेस कम हुई, ओ गॉड अब क्या कर रहा है ये फोन। आई थिंक इसकी ब्राइटनेस कम, आई थिंक अब ये कह रहा है मुझे अब छोड़ दे, बहुत शूट कर लिया तुमने मेरे साथ। एनीवेज कुछ नया जुगाड़ करना पड़ेगा, नया फोन देखना पड़ेगा। ओके गाइज, अब ये है सर्कल है इसका डिजाइन, ठीक है, रिंग बनी हुई है। तो ये मतलब एक ये भी डिजाइन मुझे बड़ा पसंद आया था, कल परसों मैंने एक वीडियो में डाला हुआ था जिसमें दो सर्कल्स थे, दो रिंग्स थी जो आपस में जुड़ी हुई थी, वो भी अमेज़न से मैंने बाय किया था, वेम्बले ब्रांड का। एंड एक और डिजाइन है, ये आप देखो सर, ये भी मुझे बड़ा ही सुंदर लगा इनका डिजाइन। ये है सनफ्लावर बना हुआ है, दिख रहा है आपको सनफ्लावर बना हुआ। यार आई थिंक ये लाइटिंग में थोड़ी सी गड़बड़ जा रही है,
ये देखो व्हाइट कलर में ये हर सेंटर में येलो बनाई है, तो ये सनफ्लावर है लेकिन बीच में थोड़ा सा स्पेस है जस्ट फॉर डिजाइनिंग, है ना, लुक अच्छी है इसकी भी। तो ये एक है चेन, और फिर मेरे पास है एक और चेन, रुको रुको रुको, इसमें ना चांद बना हुआ है, चांद खुल क्यों नहीं रहा, हाय राम। फिर गाइज ये है मेरे पास एक और चेन जिसके अंदर ये चांद बना है, छोटे छोटे से क्रिस्टल से है, ये स्टोन्स लगे हुए हैं, तो ये भी बहुत ब्यूटीफुल वाला है। आई थिंक दरवाजे पे कोई है, ये भी ब्यूटीफुल है, इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके गाइज नेक्स्ट ये है लाइट, ठीक है, ये मैंने इसके साथ यार एक रिमोट आता है, मुझे नहीं पता मैंने वो रिमोट कहाँ रख दिया, वो बड़ा सुंदर सा कलरफुल सा छोटा सा रिमोट था, आपको मैंने लिंक डाल दिया ना, तो आप उसको क्लिक करना तो आप अमेजोन पे पहुंच जाएगा, तो आप देख लेना ठीक है चलती कैसे। मैंने इसको ये देखो चार्जर है ना पीछे आपको दिख रहा है, उसके अंदर मैंने इसको ये कर दिया, ठीक है, ये ना यूट्यूब के ना बैकग्राउंड में रखते हैं, आई थिंक ये लाइट चेंज होती है, स्टेबल हो जाती है, क्या हो जाता है ये रिमोट के साथ होता है सारा, लाइट बड़ी अच्छी है ये बैकग्राउंड लाइटनिंग के लिए ही यूज करते हैं, आई थिंक ये लंबी भी हो जाती है। आरव ने ना अपने चैनल पे वीडियो डाली है, आरव हमरा एक मेरे बेटे का यूट्यूब का चैनल है, उसने इस प्रोडक्ट के ऊपर वीडियो डाली थी, मैंने उसी को बोला था तुम ओपन करो क्योंकि यार ये ना बड़ा छोटे से डब्बे में आया था, तो मैंने बोला इसको जोड़ो, बैठा था वेला है सिर्फ टीवी देख रहा था, मैंने बोला इसको जोड़ो और वीडियो बनाओ और अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगी मैं तुम्हारे, तो उसने वीडियो में रिमोट दिखाया था, मैंने उससे रिमोट लिया, आई हैव नो आइडिया मैंने कौन से ड्रॉ में डाला, मैं ढूंढ ढूंढ के पागल हो गई, मेरे को मिल ही नहीं रहा कई बार, अरे किसके किसके साथ ऐसे होता है, तुम ऐसे चीजें को संभाल देते हो कि वो हमेशा के लिए संभल जाती है, मतलब गुम ही हो जाती है घर में, और रिमोट था भी बड़ा क्यूट सा छोटा सा। तो गाइज ये है एक लाइट, ठीक है, अगर आपको बैकग्राउंड के लिए या फिर अगर आपको वैसे रात को कमरे में जलाने के लिए, इसमें बड़े सारे अलग अलग कलर, अभी तो ऐसे ब्लिंक 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 कर रही है ना, तो वैसे ये एकदम स्टेबल हो जाती है, जैसे अगर आपको कोई भी कलर चूज करके रखना है, रेड या ग्रीन येलो पर्पल ब्लू, तो आप उसको चूज करके एकदम एक जगह पे लगा के भी रख सकते हो कलर को, ठीक है। उसके बाद गाइज आई हैव टू मोर थिंग्स, और ये वाली वीडियो बड़ी रैंडम वाली वीडियो थी, एकदम अनटाइडी सा लग रहा था मुझे इस वीडियो में, पता नहीं क्यों जैसे ऑल ओवर द प्लेस लग रही थी, पुट टुगेदर नहीं लग रही थी। एनीवेज लास्ट मोमेंट पे मैंने ये वाली वीडियो शूट की ना, आप लोग थोड़ा सा समझ जाए। ओके गाइज ये एक पिलो, अब आप बोलोगे ये क्या दिखा रही है, ये मेरे बेटे ने जिद करके मेरे से ये पिलो मंगाया जिसके अंदर आपको ये जो कुशन है ना, ये मतलब जो है ये आपको ऑलरेडी इसके अंदर मिल जाएगा, एंड ये अलग से था, इसी के साथ ही मिला था इसको और ये कवर मिला था, ठीक है। ये अगर जो लोग जिनके बच्चे मेरे बेटे के एज के साइज के बोलो उनको पता होगा, ये माइनक्राफ्ट था, माइनक्राफ्ट इनकी गेम है जो बहुत फेमस एंड ट्रेंडिंग है, ये वो वाला क्रिएचर्स बने हुए इसके ऊपर, तो आरव को था कि मुझे चाहिए मेरे रूम में, मेरे को चाहिए मेरे को चाहिए मेरे को चाहिए, तो मैंने उसको ले लिया क्योंकि वो बहुत टाइम से जब भी मेरा फोन पकड़ता था अमेजोन की कार्ट में मैंने आपका डाला अपना पिलो डाला, आप प्लीज ऑर्डर कर दो प्लीज ऑर्डर कर दो, आई ऑर्डर दिस, ठीक है। तो ये अगर आपके बेटे को माइनक्राफ्ट या समथिंग कुछ पसंद है, अगर उसको अब बर्थडे गिफ्ट देना चाहते हो कुछ भी ऐसा यार, ठीक है, तो आप ऐसा मतलब समथिंग बाय कर सकते हो। एक और चीज ये भी आई थिंक माइनक्राफ्ट की ही हैमर है, अब जो लोग जो आपके बेटे खेलते हैं उनको पता होगा, देखो फिर से मेरी ये देखो 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 ये डाउन जा रही है, मुझे ये वीडियो ना भाई को दिखानी पड़ेगी, ब्राइटनेस मेरी अपने आप धीरे नीचे चली जाती है, आई डोंट नो व्हाई, बैलेंस में रहे ना जितना मेरा गॉड इरिटेशन हो रही है मुझे, वो एकदम डल हो जाता है पूरा बैकग्राउंड भी एंड फेस भी। बेटा अब तुम जाने वाले हो फोन, अब तुम्हारा हो गया काम। ये देख लो गाइज ये हैमर है, माइनक्राफ्ट की हैमर है, इसको अपने रूम में टांग सकते, हम क्या टांगेंगे, बच्चे टांग सकते हैं जिनको माइनक्राफ्ट का शौक है। आरव ने भी बड़ी वही करके लिया था, प्लीज मुझे अगली हैमर ले दो माइनक्राफ्ट वाली, कुछ नहीं ऐसे पकड़ के ऐसे 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 अपने दोस्तों के दिखाता रहता, मैं ये काट दूंगा मैं वो कट कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ, मीन्स इट्स समथिंग रिलेटेड टू योर किड्स, अपने बच्चों के लिए अगर आपको कुछ लेना है ऐसा, अगर उनको खेलते अगर वो माइनक्राफ्ट, तो आप उनको ये वाला दिखाना, वीडियो दिखाना, ये दिखाना, ये वाला दिखाना, गन दिखाना, तो उनको पसंद आएगा ऐसी चीजें, आई नो बच्चों का होता है क्रेज। यही थी गाइस आज की वीडियो, होप आपको पसंद आई, आई नो आज की वीडियो थोड़ी सी थी ऐसे वैसे, बट
मुझे एक वीडियो अपलोड करनी थी अमेजोन की, ये मेरे मंथ का लास्ट वीडियो थी तो मुझे एनी हाउ इसको अपलोड करना था, तो मैंने फटाफट से इसको शूट कर लिया। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना आपको मैंने बहुत सारे लिंक्स दिए हैं, अगर आपको बहुत सारे लिंक्स ओपन नहीं ना करने क्योंकि उसके ऊपर नेम्स नहीं लिखा होता, तो सबसे नीचे वाला जो लिंक होता है ना माई हॉल स्टोर का, आप उसको क्लिक कर लिया करो तो उसमें आपको सारे प्रोडक्ट्स की ना फोटोज नजर आ जाएंगी। कोई भी फोटो का आप क्लिक कर लेना तो आप वो वाले प्रोडक्ट तक पहुंच जाओगे, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग कमेंट करते हैं कि नाम आप लिखते नहीं हो लिंक्स में। गाइस जब हम लिंक्स बनाते हैं वहां पे नाम लिखा हुआ नहीं आता, वहां पे ऐसे ही लिंक्स बनते हैं माई हॉल स्टोर के, ठीक है। नीचे सबसे नीचे वाला आप लिंक क्लिक करोगे तो फिर आपको सारे प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे एक ही पेज पे। आई थिंक आई एम डन, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, लव यू।